जा रहे हैं इस वक्त जयगढ़ के किले और यहाँ का ट्रांसपोर्ट का बहुत पंगा है जयगढ़ जाने के लिए, क्योंकि वो बाहर रोड पे आपको बस उतारती है और उसके बाद जो टैक्सी वाले हैं और ऑटो वाले भाई वो मुंह फाड़ के पैसे मांगते हैं और नया बंदा देख के तो सोचती है कि लूट ले। ये एक भाई मिल गए हमें, ये हमारे चाचा, ये बेचारों से मैं लिफ्ट मांग के जा रहा हूँ तो बोले चलो मैं छोड़ देता हूँ। ये रास्ते का पूरा व्यू है, असल में ये पूरा घुमाव है और घुमाव होके ये रोड से किला तो ये है, ये सामने दिखाई दे रहा है आपको ऊपर, लेकिन पूरा घूम के जाते हैं ना तो इसलिए ये लगभग 6 किलोमीटर पड़ जाता है। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा की लाइव ब्लॉग में। और दोस्तों आज हम आए हैं जयगढ़ के किले पे और आपको दिखाएंगे यहाँ पर हर एक चीज, और जो एशिया की सबसे बड़ी तोप है वो भी इसी किले के अंदर है, जो सिर्फ अपने वक्त में एक ही बार चली है और उसकी भी हिस्ट्री हम आपको बताएंगे। अभी फिलहाल हम चलते हैं उस तोप की तरफ, पहले तोप देखेंगे फिर धीरे धीरे करके पूरा किला देखेंगे आज। दोस्तों ये है जयगढ़ किले का गेट और ये है टिकट काउंटर और यहां से हमने टिकट लेकर अब हम चले हैं गेट के अंदर। ये यहाँ के आप दरवाजे देखिए, ये वो जमाने के सब लोखंड है ये। और यहाँ पे जो टिकट है वो है 150 रुपीज का। जो भी टूरिस्ट वगैरह घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं तो वो 6 किलोमीटर दूर वहां पे मेन रोड है जहां पे बस छोड़ देती है और वहां से कोई सवारी का बंदोबस्त नहीं है और सरकार को यहाँ पे कम से कम एक सरकारी बस रखना चाहिए जो मिनिमम खर्चे में टूरिस्ट वगैरह यहाँ पर आ जाए। अभी मैं ही आया हूँ तो मुझसे बोलता है कि 450 रुपये लगेंगे और अगर मैं 450 रुपये दूंगा तो आऊँगा यहाँ तक, नहीं तो कोई बंदोबस्त ही नहीं है। वो तो एक भाई मुझे मिला, उसने यहाँ तक मुझे छोड़ दिया। और अगर पैदल आने की कोशिश करोगे तो 6 किलोमीटर है और रास्ते में आपको जंगल है तो वहाँ पर शेर चीते वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये जयगढ़ का जो किला है ये एक बहुत बैड एक्सपीरियंस है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि जिन लोगों के पास अपनी सवारी है तो वो तो आराम से यहाँ पे आ सकते हैं, लेकिन जो पैदल हैं या जो बाहर से आए हुए हैं उनके लिए काफ़ी परेशानी का ये सबब है। चलो अब बढ़ते हैं भैया पहले तोप की तरफ, बाकी और साइडों पे बाद में जाएंगे। फाइनली हम पहुंच गए भाई एशिया की सबसे बड़ी तोप के पास। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए हैं जयवान तोप के पास जो है मेरे पीछे। ये एशिया की सबसे बड़ी तोप जो रखी है जयगढ़ के किले के अंदर, ये देखिए दोस्तों। आज भी जो राज परिवार है यहाँ का, इनके वंशज जो हैं जयसिंह जी के, तो ये हर साल इसकी पूजा करने के लिए आते हैं। ये देखिए ये हर साल पूजा पे ये सब पूजा का सामग्री वगैरह, इस पे ये धागा है और आगे ये सब तिलक वगैरह लगाते हैं, ये देखिएगा। ये सब उसी जमाने के बने हुए हैं और इसका मैं पूरा अभी आपको डिटेल में बताने वाला हूं, इसका वजन, ये कब बनी, कैसे बनी और कब चली, सब आपको बताऊंगा दोस्तों। बिल्कुल भी आप लोग स्किप मत करना और चैनल पे बने रहना, और जो लोग भी नए हैं
वो लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जयबान तोप की जो ये नाल है, ये लगभग 20 फीट की लंबाई और इसकी गोलाई जो है वो 8 फीट 7.5 इंच की है, और इस तोप का जो वजन है वो लगभग 50 टन का वजन है भाई, और इसकी पूरी बॉडी का वजन वो 200 टन है, और ये जो इसका फ्रेम है इसके साथ में इसका 250 टन का वजन होता है। और ये जयवान तोप जो है भाई, ये 1720 में इसी किले के अंदर जयपुर के जो शासक थे सवाई जय सिंह जी, उन्होंने बनवाई थी। और ये जो तोप है ना, ये ट्रायल में एक ही बार चली और इसमें 50 किलो वजन का गोला लगता था, और उसका जो उसे गन फायर करने के लिए उसमें 100 किलो गन पाउडर लगता था। तो जब ये पहली बार चली थी तो भाई साहब ये 35-36 किलोमीटर दूर जाके इसका गोला गिरा था, और जो उससे तालाब बना था वो आज भी है, और उसके पानी को लोग यूज करते हैं, और कभी भी ये जो तोप है कभी भी युद्ध क्षेत्र में इसकी जरूरत नहीं पड़ी चलाने की। दरअसल जयगढ़ का जो किला है उसके अंदर एक बहुत बड़ा तोपखाना था जहाँ पे तोपें बनाई जाती थीं। तो इस तोपखाने में ही धातु को गलाकर उन्हें बड़े बड़े सांचों में डाला जाता था, और इसके बाद तोप के अंदर हाथों के द्वारा ड्रिल किया जाता था, जो हम आपको वीडियो में आगे भी दिखाएंगे कैसे होता था। तो भाई ये जो जयबान तोप थी, ये तोप इसी किले के अंदर बनाई गई थी। ये जयगढ़ का जो किला है, ये राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर शहर के आमेर तहसील में है, और जयगढ़ फोर्ट का जो निर्माण करवाया था वो मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने 1621 से 1667 के द्वारा कराया गया था। लेकिन जयगढ़ फोर्ट का ज़्यादातर निर्माण सवाई जय सिंह जी ने 1700 से 1743 तो दोस्तों के ये बीच जो में है ना, करवाया था। ये वो तालाब है जिसमें जिसने इस तोप के अंदर जो आग लगाई थी तो वो यहाँ आके कूदा था। उस टाइम इसके अंदर पानी था भरा हुआ, तो वो इसलिए इस पानी में कूदा था क्योंकि इसकी जो आवाज़ होगी तो उस आवाज़ से उसके कान के पर्दे ना फट जाएं। लेकिन फिर भी इतिहासकार लोग बताते हैं कि जब वो कूदा था पानी के अंदर और जब ये तोप चली थी तो उसकी जो आवाज़ थी उस आवाज़ से उसके पानी के अंदर भी कान के पर्दे फट गए थे, और इस किले की काफ़ी सारी दीवारों को भी नुकसान हुआ था। और ये अपनी लाइफ में एक ही बार चली है तोप, जो ट्रायल के तौर पे चलाई थी। तो दोस्तों अब हम चल पड़े हैं तोप की साइड से निकल के दूसरी साइड में, और ये एक भाई हमें मिले हैं। हाँ ये इधर ही घूमने आए थे, तो ये भाई साहब बोले कि यार तुम भी अकेले हो हम भी अकेले हैं तो दोनों मिलके ही घूमते हैं। मैं बोला चलो भाई ठीक है, तो ये शाम तक मेरे साथ रहने वाले हैं। तुम कहाँ से आए हो भाई? मैं जयपुर से विद्याधर। अच्छा, ये इधर ही जयपुर के ही हैं लोकल। लेकिन बड़ा सीधा बंदा लग रहा है, देखने में ऐसा लग रहा है जैसे कहीं बाहर से घूमने के लिए आया है। ठीक 20 किलोमीटर का सफर करके है। आया हूँ, हाँ अच्छा, कहाँ से आए हो? साइकिल से आया हूँ। ओ साइकिल से आया भाई, आज तो इसके साथ साइकिल पे नाहरगढ़ के किले जाऊंगा मैं। और यहाँ से आपको दिखाई देगा पूरा ये तालाब जो है आमेर के किले के सामने वाला है, और ये इसके ऊपर रहा। देखिए इनका एक अपना ही अलग फ्लैग है जो इसके ऊपर आज भी लगा हुआ है। ये जयपुर का पुराना फ्लैग जो आज भी जयगढ़ के किले के ऊपर आपको दिखाई देगा, ये शायद यहाँ के राज परिवार का रहा हाँ होगा। हाँ वो हाँ, है और वो वहां पे भी लगता है। और अब हम चलेंगे भैया टॉप पे, और यहाँ से देखेंगे कि जयपुर का नज़ारा कैसा दिखाई देता है। काफ़ी ऊपर आ गए, और हो सकता है कि यहाँ से हमें आमेर का किला भी दिखाई दे। ये देखो दोस्तों, वो दिखाई दे रहा है आमेर का किला, ये देखिए ये आमेर का किला है, ये उसके सामने की पूरी झील।
और जयगढ़ के किले से आमेर के किले तक एक खुफिया सुरंग है जो कभी भी राज परिवार को बुरे वक्त के वक्त में सेफ करने के लिए बनाई गई थी, जो आज भी चालू है। अभी दोस्तों ये देखो जयगढ़ का किला और है टैंक की तरफ जाएंगे जो पानी का टैंक है बहुत बड़ा। देखो इधर आके आप टेस्ट करो, यहाँ पे गर्म और यहाँ पे ठंडा। और ये गोपर दोस्तों ये है पानी की टंकी, ये देखिए, ये उस जमाने में ये पानी की टंकी हुआ करती थी और इसमें सारा पानी स्टोर किया जाता था और इस पानी के नीचे कमरे बने हुए हैं। दोस्तों ये जो पानी की टंकी है ना, इसके नीचे कमरे बने हुए हैं और उन कमरों के अंदर था राज परिवार का सारा सोना जो 1976 में इंदिरा गांधी जी ने एक मिशन चला के निकाला था और जिसके ऊपर बादशाहो मूवी भी बनी है। अब सरकार बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन जो सूत्र होते हैं ना वो बोलते हैं कि एक दिन के लिए जयपुर से दिल्ली का हाईवे बंद रखा गया था और ट्रकों से सारा सोना निकाला गया था। अब क्या सच है क्या गलत है ये तो भगवान जाने। तो एक मंजिल में पानी, दूसरे मंजिल में खजाना। पानी का रास्ता यहाँ से, खजाना का रास्ता आमेर महल से। तो मानसिंह राजा ने कुछ धन, ये छोटे छोटे भाटे देख रहे हैं आप लोग, पत्थर सब जो है इसमें नौ सुराख है, नौ कमरे बने हुए हैं। यह है 52 फुट गहरा, 69 फुट लंबा और 52 फुट चौड़ा। इसमें जो धन थे इससे जयपुर बसाए थे। वो जो दीवार देख रहे हो ऊंचे, नहाने कपड़े धोने का है। दोनों का पानी पेड़ पौधे में डालते हैं, इसी का पानी स्वच्छ है जो पीने के काम में लगा। ये यहाँ पे अंदर कैंटीन है, चाय नाश्ता खाना पीना कुछ भी करो, यहाँ पैसे लगते हैं सब चीज़ हो गया। और ये अब हम चलते हैं महल की तरफ। और दोस्तों ये हैं राज परिवार के वो सारे हथियार जो इन्होंने अपने अपने दौरों में बनाए थे और आज भी ये यहाँ पे आपको बहुत सारी छोटी बड़ी तोपें भी देखने को मिलेंगी, बहुत सारे तीर मिलेंगे और ये आपको बंदूकें वगैरह भी मिलेंगी जो अलग अलग शासन काल के राजा महाराजाओं ने बनाई और उन सबको इन्होंने अपने इस पर्सनल किले में रखा है। क्योंकि ये जो जयगढ़ का किला है ना, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट के अंडर नहीं है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और आज भी इसके राजा बनाए जाते हैं। ये हकीकत है दोस्तों कि जयपुर के राजा आज भी हैं। और ये देखिए ये अंग्रेज़ों के टाइम में ये वाली जो तोप है ये भी ये लेकर आए थे, इनके अंदर फ़ोटो भी लगी हुई हैं सब। जो ये देखिए ये पुराना नक्शा है जयपुर का यहाँ का और ये उस ज़माने की पेंटिंग है जो अभी शायद 100 साल पहले बनाई है। और ये काफ़ी सारी फ़ोटो हैं जो आज़ादी के टाइम के हैं। ये है सुभाष निवास और वो टाइम का जो कूलर वगैरह था ना भाई, वो सब यहीं पे रखा हुआ है। ये कूलर है पुराने ज़माने के। ये नगाड़े जो बजाए जाते थे किसी भी वक्त में, खुशी का टाइम है या अलर्ट करने का टाइम है। और अंदर चलते हैं भूल भुलैया। इधर से आवाज़ें आ रही हैं, ढोल ताशे चल रहे हैं भाई, इधर कुछ तो गाना बजाना चालू है। देखते हैं मंदिर है, मेरे ख्याल में कठपुतली घर है इधर। और दोस्तों ये आ गई, ये भोजनशाला है,
उस जमाने में ये जो भोजनशाला थी, तो ये देखिए राजा इस तरह से अपने राज परिवार के लोगों के और सरदारों के साथ बैठ के खाना खाते थे, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने स्टेचू के तरीकों से दर्शाया है। और ये महिलाओं की अलग है, जो राज परिवार की जो महिलाएं थीं वो इस तरीके से बैठ के खाना खाती थी। और यहाँ पे पूरा ये देखिए रसोई वगैरह बनाई है, और ये बर्तन वही हैं जो ये इनके लिए जो खाना बनाने के लिए यूज होते थे, वही बर्तन हैं ये सारे। दोस्तों ये है ललित मंदिर, और यहाँ पे बहुत सारी इनके दौर की चीज़ें रखी हुई हैं। और अब हम चलते हैं सागर छत्री। भाई जयगढ़ का किला ना ऐसे बनाया जैसे कोई भूल भुलैया, नया आदमी तो ढूंढता रह जाएगा कहाँ आना है कहाँ जाना है। और दोस्तों ये है जयगढ़ किले के अंदर एक गार्डन जो बहुत ही खूबसूरत है, जो राज परिवार के घूमने के और यहाँ पर सुबह शाम टहलने के काम आता था। और बहुत सारी फिल्मों की भी यहाँ पे शूटिंग हुई है, जैसे जोधा अकबर है, पद्मावत है, या संजय लीला भंसाली की और भी बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी शूटिंग इस गार्डन में हुई है। ये देखिए ये जो गार्डन है, इस गार्डन के अंदर जोधा अकबर की बहुत ज़्यादा शूट हुआ है यहाँ पर। और ये सब छतरी, ये जो छतरी है ये देखिए यहाँ से आपको दिखाई देगा। तो दोस्तों अब हम आपको जयगढ़ के किले पे से दिखाएंगे बहुत ही प्यारी खूबसूरत व्यू। ये देखो अब आपको दिखाई देगा यहाँ से पूरा आमेर का किला और उसके आसपास बसी हुई आबादी जो ये है। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आमेर का किला है। दोस्तों ये देखो ये बनाई थी दीवार लगभग 12 किलोमीटर की, आमेर का किला और जयगढ़ के किले के चारों तरफ घुमा के बनाई थी ये सेफ्टी के लिए उस ज़माने में, क्योंकि उस वक्त जयपुर नहीं था, ये आमेर का किला था और जयगढ़ का किला उसके बाद बना था। तो आप देखिएगा कितनी बड़ी दीवार बनाई है जो आज भी है और जगह जगह से डैमेज हो गई है। और ये सामने दिखाई दे रहा है आमेर का किला, ये इस वक्त हम जयगढ़ के किले में हैं और वहाँ से दिखा रहे हैं आपको, ये आमेर का किला है और बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका फ्रंट से भी पीछे से भी। और आज देखिएगा तो छुट्टी का दिन, घूमने वालों की भीड़ भी बहुत है क्योंकि ट्रैफिक देखो कितना दिखाई दे रहा है आपको। सैटरडे है ना, सैटरडे संडे में टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आता है यहाँ। आ जाओ छोटे चलते हैं हम लोग। अब ये भाई उस जमाने में हुआ करता था विलास मंदिर, ये देखिएगा। अब हम चलते हैं दोस्तों तोपखाने के अंदर, जो जयगढ़ किले के अंदर जो तोपखाना था जहाँ पे सब हथियार बना करते थे उसके अंदर चल रहे हैं हम।
दोस्तों ये है खरात परिसर। खरात परिसर मतलब जो इसके फ्रेम बनाते थे उसके अंदर लोहा पिघला के डालते थे, फिर उसके अंदर छेद करते थे, वो सब सिस्टम ये है। ये यहाँ पर और यहाँ से ये घुमाते थे, इसके अंदर बैल बांधते थे, यहाँ ये बैल इसको घुमाता रहता था, इसके घूमने से वो घूमती थी। और ये सब छेद करने वाले उसके टाइम के हथियार है, ये देखिए, ये उसमें रॉड लगा के और ये आगे के वो लगा के ये सब यूज, और ये उस जमाने के जो सैनिक थे वो ये सब यूज करते थे, ये पानी वन भरने के सब, ये इसके फ्रेम है, ये कुल्हाड़ी, ये सब सामान आज भी, ये रस्सी है जिससे उस जयवान तोप को खींच के ऊपर लेके गए थे, तो ये सब आज भी यहाँ पर रखा हुआ है। के बाद में नीचे से ठंडा पानी छोड़ के मोर को ठंडा कर लेते। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है और आप इस चैनल पे बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और मेरे साथ बने रहना। इसी तरह की एडवेंचर के साथ मिली हुई बहुत अच्छी हिस्ट्री के साथ आपको वीडियो देखने मिलती रहेंगी। और जयपुर में देखते हैं और भी जो कुछ भी बेहतर है उसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।